सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माई चैनल बी बॉय ब्लॉग्स। सो आपने 2 अप्रैल का ब्लॉग नहीं देखा होगा, तो मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में रिमाइंडर देता हूँ कि आप 2 अप्रैल का ब्लॉग देख लो, क्योंकि क्या होगा, आपको लिंक लगेगी। मैं कंटिन्यू डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, तो आपको उसमें आप कंटिन्यू ब्लॉग देखो तो उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। और आपको एक होता है कि लिंक लगेगी और मज़ा भी आएगा देखने में। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, बहुत लेट हो गया है, तो अभी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आप समझ लीजिए कितना टाइम हो गया होगा। तो अभी ये रूटीन ख़त्म होने वाला है 1-2 दिन में, क्योंकि मैं वापस जाने वाला हूँ मेरे कॉलेज के लिए। तो कॉलेज की लाइफ भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो। तो अभी जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो अभी फ्रेश होके आ गया हूँ, थोड़ा टाइम हो गया बट मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी सीधा खाने पे बैठेंगे। और अभी कितने बजे हैं? अभी 2:30 बज गए हैं, तो जाते हैं मॉम से खाना लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो चलिए। सो मॉम यहाँ पे है, और मॉम ने आज खाने में क्या बनाया? दही है, रोटी है, और क्या है, और तीखी मिर्ची की चटनी है, ये बनी है। तो अभी ये खाएंगे और मॉम अभी परोस रही है। तो अभी मैं मिलता हूँ खाने के बाद। बैंगन बट खाएगा? बैंगन, हाँ बैंगन की सब्जी भी बनी है, बट मुझे खास बैंगन पसंद नहीं है, पर ट्राई कर लेंगे आज के दिन मॉम ने बनाया तो, क्योंकि घर का खाना बहुत कम दिन खाने को मिलने वाला है अभी। तो चलिए। सो दादी ऐसे खाते हुए रुक गई है, खाओ खाओ तुम खाना खा लो। तो दादी यहाँ पे खाने को बैठी है, मॉम ने तैयार कर दिया, अभी ये लेके जाता हूँ। और बैंगन की सब्जी मॉम बाद में परोसेगी, तो अभी ये खाएंगे अपन। घर का खाना तो बहुत लिमिटेड डेज बचा है अभी खाने के लिए मुझे, मतलब लिमिटेड डेज मतलब लिमिटेड डेज मतलब मुझे बोलना ऐसा है कि अभी मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊंगा थोड़ी दिन में, तो घर का खाना मिस करूंगा। तो अभी जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है, वो पेट भर के खा लेंगे। और अभी जाते हैं, मॉम आवाज़ दे रही है, दादी आवाज़ दे रही है शायद से। तो अभी व्लॉग थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि मॉम चिल्लाएगी कि खाना खा ले पहले फिर व्लॉग कर। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो अभी शॉप में आके बैठा, तो अभी बज गए हैं 4:15। तो शॉप में मैं कब का बैठा था, क्योंकि थोड़े मुझे कंपनीज के लिए अप्लाई करने थे। मेरे एजुकेशन, जैसे आपको कुछ पता नहीं होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में कुछ आपको बता के भी फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं कुछ कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी कर लेते हैं और कंपनीज के लिए अप्लाई भी कर लेते हैं। तो अभी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एंड अभी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। रजिस्ट्रेशन चालू है जैसे आईटी में, आपको सबको पता है। तो अभी मैं फॉर्म भरता हूँ, एक कंपनी का फॉर्म भर दिया है मैंने, तो अभी बाकी कंपनियों का भी फॉर्म भरने वाला हो। तो अभी क्या करता हूँ, ये सब काम निपटा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और यार बाल बहुत अच्छे सेट हुए हैं मेरे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे जाना है कहीं तो बाहर, मीन्स कॉलेज के लिए। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं हेयर कट ले लूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरे गाँव में एक हेयर कट का सलून है, तो मुझे उसके हाथ के हेयर कटिंग पसंद आती है ज़्यादातर। और नासिक में भी एक है, वहीं पे मैं जाता हूँ हमेशा। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, बट मुझे लग रहा है यार कुछ ज़रूरत तो है नहीं, बट साइड साइड के ट्रिम करवा के आ सकता हूँ मैं। तो चलिए, अगर हेयर ट्रिम करवाने गए तो आपको साथ में ही लेके चलूँगा। तो मैं एक सोच रहा था कि मैं मेरे जो व्लॉग्स है उसके पीछे मैं साउंड यूज़ नहीं करूँगा, क्यों कोई भी। और अभी इस ये बात सुन के कोई बोलेगा कि यार कॉपीराइट क्लेम आएगा, इसकी वजह से तू नहीं कर रहा है ऐसे वैसे। बहुत से फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैं परचेस करके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। बट एक मेरा उसके पीछे जो रीज़न है, वो बहुत लोगों को मालूम हो गया होगा कि अगर मैं साउंड यूज़ करता हूँ ना, अगर टाइम लैप्स में लगा दिया तो कुछ नहीं लगता, पर ऐसे ब्लॉग चल रहा है उसके पीछे मैंने साउंड लगाया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक मैं आपको वो फील देना चाहता हूँ ब्लॉग का, कि आप मेरे आजू बाजू में ही कहीं हो या मेरे साथ ही हो, और ये व्लॉग देखते हुए आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि इतना रॉ रखना है मुझे ये व्लॉग। तो ऐसे ही मैं आदत कर रहा हूँ मेरे व्यूवर्स को, सबको, कि जैसे उनको लगेगा जैसे आप बिग बॉस देखते हो,
तो आपको कई कई बार ऐसे लगता है कि अपन वही बैठे हैं उसी बिग बॉस हाउस में और अपन ये सब चीज़ बैठ के वही देख रहे हैं। तो वही फील मुझे आपको देनी है कि आप मेरे आसपास ही हो कहीं पे बैठे हो, या मेरे साथ एक दोस्त की तरह, भाई की तरह बैठे हो, तो या फैमिली मेम्बर की तरह बैठे हो, आपसे बातचीत चल रही है मेरी। तो ये फील देने के लिए मैंने साउंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी। जो भी न्यू व्लॉगर, अपकमिंग व्लॉगर है, वो देखेंगे ये वीडियो, तो उनको भी एक आइडिया आएगा कि ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करवा पाते हैं। तो अभी मैं किसी को सिखा पाऊँ इतना बड़ा तो हुआ नहीं, हुआ मतलब इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ मैं अभी तक। बट जो छुटका पुटका ज्ञान है मेरे पास, मीन्स जो नॉलेज है चुटका पुटका, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो मेरे रिव्यूज़ के ज़रिए से या फिर और किसी चीज़ के ज़रिए से, जो मुझे पता है, जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, वही आपको दे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं फॉर्म भर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। अभी थोड़ा बाहर जा रहे, थोड़ा सामान लेने घर का, तो चलिए डैड से पैसे ले लेते हैं फिर जाते हैं। तो अभी भैया पनीर दे रहे हैं, देते पनीर फिर। अभी मैं घर पे आया और एक स्टोरी हुई शॉप पे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहले मॉम को दे देते हैं, ये ले लो, ये पनीर। और ये भाई कुत्ते बहुत भौंक रहे यहाँ पे, तो ये ले लो। नहीं, ये दादाजी ने लाया है। मॉम यहाँ पे है, मॉम रोटी बना रही है। और मॉम हाय कर दो। हाँ रख दो वो मोबाइल, मोबाइल। मॉम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, मॉम हाय कर दो। आज मस्त अपन खाएंगे पनीर की भाजी। और मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उनको बाद में रिप्लाई देंगे। तो अभी पनीर की भाजी मम्मी कैसी बनाएगी, बहुत अच्छी बनाएगी। तो अभी मॉम को अपना काम करने देते हैं और मैं आपको जो शॉप पे स्टोरी हुई मैं अभी वो सुनाता हूँ, शायद से मम्मी को भी सुना देता हूँ। अभी मैं शॉप पे गया था पनीर लेने। तो वहां पे क्या हुआ, तो उस आदमी ने, जैसे आपने क्लिप देखी, तो वो आदमी उसने जो वेट कर दे, तो वो वेट मशीन पे रखा और मुझे काट के दे दिया। यार ये अभी कुत्ते बहुत भौंकेंगे पीछे से, तो वो छोड़ दो। फिर मैंने उसके हाथ लगाया, तो उसका उसका वो मतलब बात करने लगा कि नहीं हमारे पास फ्रेश ही होता है, तो क्या हुआ आपने क्यों ऐसे हाथ लगाया उसको, तो ऐसे वैसे। तो भाई मैंने सिर्फ हाथ लगाया, मुझे ठंडा लगा, तो मैंने सिर्फ देखा, नहीं तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड होने वाली थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत छोटी बात है, पर मुझे बहुत फनी लगा। मैंने सिर्फ हाथ लगाया इसको ऐसे, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, मेरा मेरा खड़ा था। और वो आदमी मतलब थोड़ा बूढ़ा था, इसकी वजह से आज से वो उसकी उसकी बात करने लगा मेरे से कि सीधे भाई क्या हुआ, कम लग रहा है क्या आपको, ऐसा वैसा। भाई मत, कुछ नहीं लग रहा है हमको, सिर्फ दे दो आप ही है, बाकी छोड़ दो बातें। वो उसके उसके बातें करने लगा, मुझे लगा क्या हो गया। वो इतना ऐसे रिएक्शन दिया ना उसने मैंने हाथ लगाने पर, अभी ये कैरी बैग में था ये, और मैंने इसको हाथ लगाया ऐसे, तो उसका रिएक्शन देखने जैसा था। अगर रिकॉर्ड हो सकता तो मैं 100% रिकॉर्ड करता, पर ठीक है, छोटी मोटी बातें लाइफ में होती रहती है। तो अभी मॉम अपना काम करिए, मॉम को अपना काम कर देते हैं और ये पनीर रख देते हैं। तो वो आपको मैं 5 मिनट में मिलता हूँ। मॉम अभी खाना बना रही है, तो हियर इज मॉम। मॉम अभी खाना बना रही है, तो अभी दिखाते हैं क्या बनाया आज खाना। मम्मी यहाँ से रोटियाँ बना रही है गरम गरम, और आज पनीर की भाजी बनी है, बहुत यमी होगी। दिख तो यमी ही रही, खाने के बाद पता चलेगा, तो ऑब्वियसली यमी होगी मम्मी के हाथ की है। तो अभी दादी दादी भी खाने को बैठेगी, और दादाजी ऑलरेडी सबसे पहले बैठ चुके हैं खाने को। तो अभी क्या करते, मैं अभी ब्लॉग एडिट नहीं किया है मैंने अभी तक, तो दादी पानी ले रही है शायद से ड्रम में से। तो अभी क्या करते हैं, मैं पहले अभी ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, तो मतलब जो कल का ब्लॉग है तो वो एडिट कर देता हूँ। उससे क्या होगा, आपको जल्दी से वो ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा, और आज का ब्लॉग भी आपको कल तक देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से चलिए फिर पहले वो काम पूरा कर देते हैं। अभी रात का खाना हो गया है, और ब्लॉग कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो,
और स्नैपचैट पर भी फॉलो कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।